इश्क बाज शिवाय अब उलझेगा पड़ोसी की उलझन में, क्योंकि उनके पड़ोस में नए लोग रहने आए हैं, जिनमें से एक तो मशहूर आरजे है जिनके शोज अनिका सुनती रहती है। उनका एक डॉगी भी है जो शिवाय अनिका के घर पर आ गया है और इससे शिवाय को बहुत डर लगता है। मगर इस आरजे का एक छोटा भाई भी है जो अपने ही भाई से डरता है। वो थोड़ा सा बीमार रहता है और उसने यहाँ आते ही शिवाय सिंह ओबेरॉय से मदद मांगी है। राकेश की बीमारी की बात सुनकर गौरी एक बार फिर सदमे में आ गई है। गौरी अभी अभी उस ट्रॉमा से गुजरी है, तो शी इज अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, बट ओम इज ट्राइंग टू चीयर हर अप एंड द फैमिली इज आल्सो टू सपोर्टिव, तो शी इज गेटिंग देयर। बट ऑब्वियसली ऐसी चीज, ऐसा ट्रॉमा इतना जल्दी दिमाग से निकलता नहीं है या दिल से नहीं निकलता है बेसिकली। पड़ोसी के डॉगी से डरने वाला शिवाय अनिका की चप्पलों से भी डरता है और आज ये डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि चप्पल बेचने वाले लल्लन भैया घर पर चप्पल बेचने आ गए हैं और अनिका ने पैरों की चप्पल हाथ में लेकर न सिर्फ शिवाय को बल्कि लल्लन भैया को भी खूब डरा दिया है। जो भी आज तक मैंने 2 साल से पहनी वो लल्लन भैया की चप्पल है, तो आज लेके आए हैं चप्पल, जबकि शिवाय इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छे से डिजाइनर को बुला के मेरे लिए बनवा लेते, पर ऐसा नहीं होता। मैं हुई सुपर बार्गेन, अनिका तो मतलब बार्गेनिंग की क्वीन। हालांकि समस्या सिर्फ इतनी नहीं, इश्कबाजों को एक और समस्या सता रही है। इस बार जॉइंट बैंक अकाउंट को बंद करके सबके अपने अपने अकाउंट ऑपरेट करने की बात हो रही है। भव्या की भी कुछ ऐसी ही मांग है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।